नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का यह अंक। किसान भाइयों, समय बीतने के साथ साथ मौसम बदलते हैं। बदलते हुए मौसम में जलवायु कभी गर्म तो कभी ठंडी होती है, और अब समय चल रहा है जब गुलाबी ठंडक का मौसम दस्तक दे रहा है। इस मौसम में यदि हम मौसम बदलने के साथ साथ कृषि कार्यों में भी कुछ विशेष और सामयिक कार्यों का बदलाव लाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही सामयिक कार्यों की जानकारियां लेकर आते हैं हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानेंगे कि रबी की फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। साथ ही साथ सफल किसान से मिलवा रहे हैं हम आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। अंक में सर्वप्रथम मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की मुख्य खबरों पर। हर विकास खंड में होगी मिट्टी परीक्षण लैब। देश में 370 लाख हेक्टेयर में बोनी, आधार बीज उत्पादन पर भी अनुदान दें, एकल पहिया निदाई यंत्र, सरसों का उत्पादन बढ़ाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भविष्य में अच्छी खेती के लिए मिट्टी बचाने और मिट्टी के स्वास्थ्य परीक्षण का प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। किसानों की सहूलियत के लिए हर विकास खंड में मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण लैब की स्थापना होगी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस पर किसान महासम्मेलन और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड वितरण समारोह में श्री चौहान ने कहा कि मिट्टी भी बीमार होती है और इसे भी इलाज की जरूरत होती है। उन्होंने किसानों से अपने अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाने का आह्वान किया। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए 6 लाख कीमत के सोलर पंप पर 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों के लिए चल रही छोटे छोटे अनुदान वाली अप्रभावी योजनाएं बंद की जाएंगी और इनका पैसा बड़ी योजनाओं में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडियों में फल सब्जी बेचने का स्थान सुरक्षित किया जाएगा। देश में अब तक कुल रबी की फसल की बुआई 370 लाख हेक्टेयर पार कर गई है। वहीं मध्य प्रदेश में 73 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कुल बुआई 370.28 लाख हेक्टेयर में की गई है। अब तक राज्य में गेहूं 34.42 लाख हेक्टेयर में, चना 24.56 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। इसी प्रकार मटर 2.33, मसूर 4.52 एवं सरसों 5.67 लाख हेक्टेयर तथा गन्ना 52,000 हेक्टेयर में बोया गया है। राज्य में अब तक कुल खाद्यान्न फसलें 34.22 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 31.96 लाख हेक्टेयर में तथा तिलहनी फसलें 6.65 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। आधार बीज पर अनुदान देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। यह निर्णय मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में हुई राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में लिया गया। श्री बिसेन ने कहा कि आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम महंगा होने से किसान उसका लाभ नहीं ले पाते और इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह किया जाए कि अन्य बीज उत्पादन कार्यक्रमों की तरह आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम में भी अनुदान दिया जाए। श्री बिसेन ने निगम द्वारा उत्पादित बीजों के विक्रय को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे हम प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों तक पहुंचा पाएंगे, जिससे उत्पादन बढ़ाने में किसानों को मदद मिलेगी और वे देश के कुल उत्पादन में बेहतर भागीदारी निभा सकेंगे। एकल पहिया निदाई यंत्र कई तरह की फसलों में काम आता है। 240 मिलीमीटर से अधिक अंतराल वाली कतारीय फसलों में निदाई तथा गुड़ाई के लिए हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण है। इसमें पहिया, ढांचा, कांटे, हत्था तथा वी ब्लेड आदि लगाए गए हैं। इस यंत्र को आगे पीछे धकेल कर खींच कर चलाया जाता है। इससे खरपतवार काटा तथा उखाड़ा जा सकता है। छोटी जोत में किसानों के बीच यह यंत्र काफी लोकप्रिय हुआ है।
सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले खेत से अतिरिक्त पौधे निकाल दें ताकि फसलों को सही पोषक खुराक मिल सके। खरपतवार प्रत्येक फसल में चुनौती बनकर खेत में रहते हैं, उनको निकालना अत्यंत आवश्यक कार्य होता है। कोई भी सिंचाई या उर्वरक देने से पहले ही खरपतवार बुआई के 30 से 35 दिनों के अंदर ही हटा दिए जाना चाहिए। सिंचित फसल को पहली सिंचाई बुआई के 30 दिनों बाद तथा दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिनों बाद ही किया जाना चाहिए। यदि एक ही सिंचाई का साधन हो तो पुष्प अवस्था में सिंचाई करें। माहों का आक्रमण प्रत्येक अवस्था में हो सकता है। 50 माहों प्रति पौध होने के तुरंत बाद मिथाइल डेमेटॉन 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से करें। मित्र कीट की सक्रियता पर नजर रखने के बाद यह कार्य यथासंभव शाम के समय करें ताकि वर्गीकरण क्रिया में सक्रिय कीटों को हानि नहीं हो पाए। पत्तों पर धब्बा रोग के बचाव के लिए मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल से छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाइयों, अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में भाव कुछ इस प्रकार रहे। सबसे पहले ज्वार। बैतूल मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1,100 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,135 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 1,179 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,303 रुपये प्रति क्विंटल। खंडवा मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1,215 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,482 रुपये प्रति क्विंटल। और खरगोन में न्यूनतम भाव रहा 1,221 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,264 रुपये प्रति क्विंटल। इसके बाद जानते हैं मक्का के भाव। आगर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1,251 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,400 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बैतूल मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1,000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,321 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1,056 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,341 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं खंडवा में न्यूनतम भाव रहा 1,199 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव यहां भी 1,341 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब आते हैं गेहूं पर। तो अजयगढ़ मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1,475 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,500 रुपये प्रति क्विंटल। गोरखपुर मंडी में गेहूं का भाव 1,450 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। मंडला में न्यूनतम भाव रहा 1,450 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं उदयपुरा में न्यूनतम भाव रहा 1,400 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,600 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात, राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय आपके खेतों में रबी की बुवाई का काम पूरा हो चुका है। रबी की मुख्य फसल गेहूं, चना, मटर, मसूर में यदि समय रहते पोषक तत्व प्रबंधन कर लिया जाए तो उससे जो फसल प्राप्त होगी वो गुणवत्ता युक्त होने के साथ साथ भरपूर भी होगी। रबी की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, यही आज आपको समझा रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आर एस सिसोदिया, कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से। आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि हम क्या फसल ले रहे हैं, और फसल लेने से पहले आपको मृदा परीक्षण करा लें। मृदा परीक्षण कराने के बाद आप अगर सरसों की फसल ले रहे हैं जहाँ तिलहनी वाली है, उसमें आप सल्फर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सल्फर से उसमें क्या होता है, तेल की मात्रा बढ़ती है, और हमारी मध्य प्रदेश की धरती में सल्फर और जिंक की 50% तक कमी है, क्योंकि हम बरसों से सोयाबीन, सरसों जिस एरिया में ले रहे हैं वो लगातार ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी फसल चक्र नहीं है, हम फसल चक्र का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात आती है हमारे रबी सीजन में ज़्यादातर भाग में गेहूँ होता है। गेहूँ में हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कहीं कहीं तो दो ही खाद डाल रहे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, DAP दे दी और उसके बाद यूरिया छिड़क दिया। लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों, आप जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा संतुलित मात्रा हैं, जैसे 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास और 20 से 25 केजी जिंक गेहूं के लिए बताया गया है, आप लोग सारी मात्राएं केवल नाइट्रोजन को छोड़ के उसको बुवाई के समय, और वो भी सीड ड्रिल द्वारा, फर्टिकम सीड ड्रिल द्वारा आप प्रयोग करें। होता क्या है कि हमारे यहाँ किसान भाई आज भी छिटकवा विधि को अपनाए हुए हैं, जबकि ऐसा आपको बता देता हूँ मैं कि जब हम छिटकवा विधि से कोई भी चीज़ बोते हैं, खाद डालते हैं, तो वो हमारे पौधे को पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है। तो आपको एक अचंभा होगा अगर मैं बताऊँ तो हमारी जो नाइट्रोजन हम जो यूरिया के द्वारा DAP से देते हैं, उसमें से 30-50% ही केवल पौधे को उपलब्ध होती है, और फास्फोरस के बारे में तो 20% से ज़्यादा लेते ही नहीं है पौधा, तो यानी 80% आपका उधर बेकार जा रहा है। पोटास है, पोटास 30% आपकी बेकार जाती है, 70% तक पौधा ले पाता है, और नाइट्रोजन जो है आपकी 40-60% आपकी बेकार जाती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जब आप सीड ड्रिल से खाद डालेंगे तब आपका पौधा मैंने जो मात्रा बताई उसके अनुसार ही प्रयोग करेगा, बाद बाकी आपका व्यर्थ जाता है। इसलिए हम किसान भाइयों को बोलते हैं जब भी कोई फसल बोएं तो आप PSV कल्चर जरूर डालें, राइजोबियम कल्चर जरूर डालें। क्यों डालें? PSV कल्चर से होता क्या है, PSV कल्चर से ये होता है कि जो आपका फास्फोरस अघुलनशील जो बेकार पड़ा है ज़मीन में, उसको वो बैक्टीरिया होता है PSV कल्चर, वो उसको घुलनशील रूप में ले आता है, जिससे उसको पौधा ले लेते हैं। तो किसान भाई जब भी आप गेहूँ की बुवाई करें तो यानी पूरी मात्रा फास्फोरस, पोटास और जिंक की पूरी बुवाई के समय दें, और आधी मात्रा नाइट्रोजन की, जो शेष मात्रा नाइट्रोजन की बचती है उसको आप पहली सिंचाई के बाद, ज़्यादातर किसान क्या करते हैं सिंचाई से पहले खाद डालते हैं, सिंचाई से पहले खाद नहीं डालना है, वही आपका व्यर्थ जाता है, क्योंकि आप पानी देंगे पानी के साथ वो लीच कर जाएगा ज़मीन में। इसलिए आप जो है जब खेत में पानी दे दें, उसके 2-3 दिन बाद जब आपके खेत में पैर आपके सहने लगे खेत आराम से, उसमें आप जो है यूरिया का छिड़काव करें, और यूरिया को दो भाग में, जो शेष बची हुई मात्रा थी बुवाई के समय से, उसको दो भाग में बांट लें, और कोशिश करें कि 3 भाग में भी कर सकते हैं। जितनी बार आप यूरिया का डालेंगे खेत में, और वो भी सिंचाई के बाद, पहले नहीं डालना है, आप पहला अगर 2 बार आपको यूरिया देना है तो पहला तो 21 दिन के बाद जब हम सिंचाई करते हैं उसके बाद, फिर दूसरा अगर 2 ही बार देना है तो जब हमारी बाली निकलती है उस टाइम हम जो है यूरिया का छिड़काव करें, अगर 3 बार करना है तो हम दूसरी सिंचाई पे कर सकते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि हमारे पौधे को ज़रूरत है 100 ग्राम खाद की और हम दे रहे हैं उसको 200 ग्राम, यानी 100 ग्राम खाद आपका बेकार जाएगा, वो पौधा लेगा ही नहीं, यानी ज़मीन को बेकार करेगा, या वो ऊपर जो नाइट्रोजन होती है वो वायुमंडल में चली जाती है, डिनाइट्रिफिकेशन होता है उसका, और लीच कर जाती है पानी के साथ। तो इसलिए हम अपनी ज़मीन को क्यों बेकार करें, और हमारी जो लागत है वो भी हमारी बढ़ रही है। तो इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो हम खाद दे रहे हैं उसका सही पौधा उपयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आधी मात्रा जब मैंने बताई है वो नाइट्रोजन की, उस तरीके से देना है, और आप अपने पैदावार में देखेंगे कि, और जिंक जरूर डालें,
जिंक से क्या होगा, आपकी जो पैदावार है वो आपकी अगर 10 कुंटल आती है तो कम से कम 13 कुंटल आएगी, ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है। तो आप लोग अभी तो हमने कहीं पिछली बार देखा है किसान भाई केवल दो ही खाद डालें, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो पोटास और आप जिंक ये गेहूं में जरूर डालें। जिंक की मध्य प्रदेश क्या पूरे इंडिया में भारत में 50% ज़मीन में जिंक की कमी है, तो इसलिए आप जिंक की मात्रा को जरूर ध्यान रखें और जिंक का भी प्रयोग करें। और रही बात अपनी चना मटर ये जो फसलें होती हैं दलहनी, इसमें आपको जैसे नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है उसको आप 30 किलो 20 से 30 किलो दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब नाइट्रोजन क्यों दें, उसमें तो जो उसकी जड़ें ही भोजन खुद नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। क्या होता है जब पौधा हमारा बोए, मतलब जब हमने बीज डाला तो जब तक उसकी जड़ें नहीं निकलेंगी तब तक तो उसको डोज चाहिए ना चाहिए अपने जीवन चक्र के लिए, तो वो डोज इसलिए कम देते हैं हम कि उस टाइम उसको ज़रूरत पड़ती है भोजन की, उसके बाद उसकी खुद की जड़ आ जाती है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और हमारी ज़मीन में 50 केजी प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन छोड़ के जाती हैं। और जो अगली फसल लेंगे उसमें हमारा काफ़ी इजाफा होता है उत्पादन में, तो इसलिए जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा शुरू में देनी चाहिए और फास्फोरस की पूरी दे देनी चाहिए, पोटास भी देनी चाहिए। तो इसलिए किसान भाई ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पास जो भी खाद है और उसको सही मात्रा में कब देना है, कितना देना है, वो बहुत ज़रूरी है। आज हमारी लागत बढ़ रही है, किसान परेशान है, ये लागत बढ़ने का कुछ कारण तो यही है कि हमें जानकारी न हो के हम जो है अंधाधुंध जो भी चीज़ है उसका प्रयोग कर रहे हैं, खाद अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है संतुलित मात्रा में और सही समय पर खाद डालिए। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आपकी मेहनत ही है जो कृषि का क्षेत्र आज उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। आप ही हैं जो नई नई तकनीकों को अपनाकर सफलता के नए मुकाम छू रहे हैं। आपका योगदान कृषि के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों से कम नहीं आका जा सकता। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुछ ऐसे ही सफल किसानों से मिलवाते आए हैं, तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं आज अपने एक सफल किसान से। इस बार हमारे साथ दो किसान हैं जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं। मेरे इस तरफ हैं हरि सिंह जी मीणा और इस तरफ हैं बीएस मीणा जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह से उन्नत खेती की और उसमें एक अलग पहचान बनाई। हरि सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक उन्नतिशील किसान को किस तरह की खेती को अपनाना चाहिए, किस तरह से हटकर पारंपरिक खेती से अपनी खेती को करना चाहिए। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आज किसान परंपरागत तरीके से जो खेती कर रहा है तो उसमें उसको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो अपनी परंपरागत खेती से हट कर के कुछ अपने जगह में, जैसे अगर उसके पास में 10 एकड़ है तो 10 एकड़ में से कम अपना 1 हेक्टेयर से शुरुआत करें, 2.5 एकड़ से शुरुआत करें, जो कि उद्यान की फसल, फल, सब्जियाँ
और नकदी क्रॉप होती केस क्रॉप, जो कि वो मार्केट में बेच के अपने डेली का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पहले इतनी ज़्यादा दैनिक आवश्यकताएँ नहीं होती थी किसान भाइयों की, लेकिन आज के समय में उसकी दैनिक आवश्यकता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको रोज़ इनकम का जरिया होना ज़रूरी है। तो इसलिए भी आज बहुत ज़रूरी हो गई है कि फल और सब्जियों की खेती करना, जो कि आप उसको डेली अपनी इनकम को बढ़ा सके। हमारे साथ एक और किसान हैं बीएस मीणा जी, इनसे हम जानते हैं कि जब फसल लगा ली आपने, तो मीणा जी जब फसल लग गई और उसके बाद उसको देख रेख और उसके पालन पोषण की बात आती है, तो किस तरह से फिर उसकी देख रेख की जाती है और कितनी मेहनत उसमें फिर लगती है? नमस्कार किसान भाइयों, इसके लिए ड्रिप सिस्टम अनिवार्य है, उससे लेबर की बचतें होती है। जो फर्टिलाइज़र है वो बेंचुरी सिस्टम से अपन दे सकते हैं और खरपतवार भी लेबर में जो लगती है वो भी नहीं होती है, इसलिए ड्रिप सिस्टम लगाना भी अनिवार्य है। यहाँ आपने ड्रिप सिस्टम की बात की, तो ड्रिप सिस्टम से क्या फ़ायदे हैं? जो पारंपरिक हम सिंचाई करते थे स्प्रिंकलर है या पाइप के जरिए, उससे ड्रिप पर अगर हम आ गए हैं तो कितना फ़ायदा है और फसल कितनी बेहतर उससे पानी देने से उसके होती है? ड्रिप का ये रहता है कि आप मजदूर भी लगाओगे तो कोई भी फर्टिलाइज़र आप हर पौधे को बराबर नहीं दे पाते। सिस्टम जो है वो उसको जितना पानी 2 लीटर देना है तो 2 ही लीटर देगा, खाद अगर 10 ग्राम डालना तो 10 ग्राम ही डालेगा। तो ये सिस्टम है, सिस्टम से इसलिए बहुत सारे फायदे इसमें। अपन ने इस पौधे से अगर खाद डलवाना शुरू किया तो वो जो मजदूर रहेगा वो आखिरी पौधे पर नहीं डालेगा। अच्छा, इसका सिस्टम का मतलब ये है कि ये हर पौधे को उसको कोई से वो नहीं है, वो हर चीज़ को सिस्टम से लेगा। इससे अपनी उपज भी बढ़ेगी, बाकी कम पानी भी अगर किसी किसान के पास है तो उसको लगाने से वो कम सिस्टम बनता है उसका बालों के द्वारा, तो उसके द्वारा वो अपना पूरी फसल में पानी दे पाता है जी। एक और जिलेटिन भी आप लगाते हैं पौधों में, वो किस कारण और क्या उसकी अहम भूमिका होती है? जो पोलो वो लगाते हैं मल्चिंग का, उससे खरपतवार नहीं होती है, जो मॉइस्चर बना रहता है कम ज़्यादा पानी में और कीट भी नहीं आते हैं उससे मल्चिंग से, तो उससे बहुत सारे पेस्टिसाइड के फ़ायदे होते हैं, वो फसल भी बहुत ग्रोथ करती है इससे जी। उससे बहुत बहुत फ़ायदे हैं। ठंड के दिनों में फसलें आमतौर पर सब्जियां और उद्यानिकी की फसलें लगाई नहीं जाती हैं, जो चल रही हैं उन्हीं की देखरेख आपको करनी रहती है, लेकिन फिर भी अगर लगाने का कोई नई तरह से शुरुआत कर रहा है तो किस तरह से वो कर सकता है? वो जैसे कि सीजन के हिसाब से, जैसे अब जो निकल गया है इसके आज अपने मिर्च हो गई है, टमाटर हुआ है, करेला हुआ है, खीरा है, ये लग जाएगा तो ये मार्च अप्रैल तक की फसल है, इससे ही अपना सब कर सकता है। इसके बाद फिर और आ गया है खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, तो ये सब फिर बाद में वो लग जाएंगे। जैसे आपने खरपतवार की बात की कि वो पेस्टिसाइड्स और वो पनी से आप उसको आप पैक्ड करते हैं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है, उपज पर कोई फ़र्क पड़ता है मीणा जी? पड़ता है, डबल फर्क होता है उससे, मतलब फ्लेट में लगाने से और उससे लगाने से डबल फर्क पड़ता है। तो जैसा बताया ड्रिपिंग विधि और जिलेटिन जिससे खरपतवार नहीं होती है, तो यानी कि किसान भाइयों ऐसी कई विधियां हैं जिनके जरिए आप अच्छी उपज पा सकते हैं और कहीं ना कहीं मुनाफा पा सकते हैं। मुनाफे की बात आती है हरि सिंह जी, तो मार्केट में किसान को बहुत मुश्किल से कहीं सीधा मार्केट मिल पाता है। एक उन्नतिशील किसान है, आपने अपनी उपज को सही मार्केटाइज्ड किया है, तो कैसे किस तरह से क्या व्यवस्था होती है जिसके जरिए अपनी फसल को बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं? सबसे पहला जो पहुंचाने का जरिया है, जो कि अभी तक अपने सिस्टम में है, मंडी जी। तो फल सब्जी की जो मंडी है उस मंडी में नीलामी होती है, उस मंडी तक हमको पहुँचाना रहता है और वहाँ पर जो भी व्यापारी आते हैं वो ख़रीद के फिर जो एंड यूज़र है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, तो वो उपभोक्ता तक वो पहुंचाते हैं। तो इस बीच में जो बीच का गैप है कि किसान से यदि 10 रुपये की चीज़ खरीदी है मंडी में, अगर उसकी बोली में नीलामी में 10 रुपये की चीज़ बिकी है, तो वो ही उपभोक्ता तक 20 से 25 रुपये किलो में उपभोक्ता को मिलेगी। तो ये बीच का 50-60% का जो डिफरेंस है कि एक तो उत्पादन करने वाले को मेहनत लग रही है और एक पैसा जेब से जा रहा है उपभोक्ता का, तो दोनों महत्वपूर्ण कौन हुए, उत्पादन करने वाला और एक जो उसका उपभोग कर रहा है वो दोनों। तो उन दोनों के बीच में अगर जो 60% का फ़र्क आता है, तो मेरा अभी उस पर चल रहा है कि ये 60% का जो फ़र्क है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कि हम उपभोक्ता तक कैसे पहुँचें। तो उसके लिए हम अपने खुद के आउटलेट खोल सकते हैं, तो जिसमें कि हम कम से कम दाम में हमारा भी जो मंडी में खर्च आता है वो बच जाए और जो वहाँ पर बैठे एक उस व्यक्ति को भी रोज़गार मिले और उपभोक्ता को ताज़ी सब्जी और अच्छी सब्जियाँ कम कीमत में मिले।
तो उससे भी उपभोक्ता को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा, बीच का जो गैप वो खत्म हो जाए। बिल्कुल हरी सिंह जी, आपने बहुत बढ़िया सलाह दी। किसान भाइयों, आपने भी जाना भगवान सिंह जी और हरी सिंह जी ने बताया कि किस तरह से आप उन्नत खेती कर सकते हैं और फायदा और मुनाफा कमा सकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर और प्रगतिशील किसानों से आपसे आपको मिलवाएंगे और निश्चित तौर पर एक नई तकनीक और उनके नए अनुभव से आपको साझा करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कसौ सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा ए, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के अंक के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहें तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।